इतना सुंदर बनाए, इसलिए मैं तो बाबा महेंद्र सिंह जी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। नीतीश जी सत्ता में बने रहने के लिए किसी का भी पैर छू सकते हैं, किसी भी दरवाजे पर जाकर नाक रगड़ सकते हैं। तो कब किसकी गर्दन पकड़ लेंगे अब कि और कब किसके पैर पर गिर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं BeforePrint.in। बिहार में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। दरअसल नालंदा के राजगीर में सीएम नीतीश कुमार शीतलकुंड गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व पर हो रहे कार्यक्रम में भाग लिया। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने गुरुद्वारा कमेटी के हेड के पांव भी छुए, जिस पर अब सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार किसी के भी पांव में गिर सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए किसी के भी पांव में पड़ सकते हैं। वहीं सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी द्वारा किए गए तंज पर भी जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी जानबूझकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, जिस पे अब सुशील कुमार मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर बिहार को बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है तो क्या लालू यादव के समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था। दरअसल कहने का अर्थ ये था सुशील कुमार मोदी का कि जब लालू यादव सत्ता में थे तब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था, तो तेजस्वी यादव ये बेकार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। सर, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के सीएम ने भी कल बोला, आज तेजस्वी यादव ने भी बोल दिया कि हम टॉप 5 राज्य में आ जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तेजस्वी जी ये बताए कि जब लालू जी रेल मंत्री थे, 5 साल तक रेल मंत्री थे और इतने ताकतवर मंत्री थे कि आधी रात को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलवा कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था, और फिर अगले 5 साल राष्ट्रीय जनता दल UPA सरकार की मदद कर रही थी, सहयोग कर रही थी, उसमें क्यों नहीं दिलवाया आपने? या नीतीश जी अटल जी की सरकार में इतने ताकतवर मंत्री थे रेल मंत्री के नाते, तो जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, लालू जी रेल मंत्री, तब तो दिलवाया नहीं। और यही नीतीश कुमार है जिनके कहने पर चिदंबरम साहब ने रघुराम राजन कमेटी का गठन किया था, उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि ये जो विशेष राज्य के दर्जे का जो कंसेप्ट है इस अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। और 14वां वित्त आयोग 14th फाइनेंस कमीशन, उसने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अवधारणा को ही ख़त्म कर दिया। वही घिसा पिटा रिकॉर्ड चल रहा है विशेष राज्य का दर्जा। अरे भाई, इस देश में पिछले 13-14 साल में किसी राज्य को मिला है क्या? अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया वो विशेष राज्य के दर्जे से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन जब जब ये बीजेपी केंद्र में सरकारों से ये जब बाहर आते हैं बीजेपी से तो वही राग अलापने लग जाते हैं। तो बताएं नीतीश कुमार कि रेल मंत्री रहते हो, लालू जी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं दिलवाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? और आज नरेंद्र मोदी की सरकार विशेष राज्य के दर्जे से कई गुना ज़्यादा बिहार की मदद कर रही है और आगे भी मदद करती रहेगी। इंतजार कीजिए 12 बजे तक। नीतीश जी आज एक सिख नेता का पैर छू लिए, भाषण देते समय उन्होंने अकस्मात ऐसी बात कही और आराम से वो गुरु नानक निष्काम सेवा जत्था के UK से आए हुए महेंद्र सिंह का पैर छू लिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि क्यों छुआ उन्होंने। देखिए, नीतीश जी सत्ता में बने रहने के लिए किसी का भी पैर छू सकते हैं, किसी भी दरवाजे पर जाकर नाक रगड़ सकते हैं। जो व्यक्ति बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया फिर साथ में आ गया, जो लालू जी के साथ छोड़ के चला गया फिर आ गया साथ में, जिस व्यक्ति ने लालू जी को जेल भिजवाया फिर मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो कब किसकी गर्दन पकड़ लेंगे अब कि और कब किसके पैर पर गिर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। और आज न कल इनका विलय होगा, लाख इनको क्या मालूम है, ये जो मंत्री लोग बयान दे रहे हैं, इन दोनों का विलय अवश्यंभावी है। सूर्य इधर से उधर हो सकता है, लेकिन राजद में जनता दल के विलय को कोई रोक नहीं सकता, वो आज न कल होना ही है। लेकिन नीतीश को या तेजस्वी जी CA से खारिज करते हुए दिख रहे हैं। अरे खारिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अरे थोड़ी बोल देंगे।
जगता बाबा फिर क्या बोले, वो थोड़ी कह देंगे कि हम करने वाले हैं, फिर कह देंगे जब समय आएगा तो कह देंगे कि देखिए ना क्या करें, सब लोग तैयार हो गए। आखिर एक ही सवाल है ना कि तेजस्वी यादव और लालू जी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकार क्यों दिया कि अगर आप दल का नाम बदलना चाहें या चुनाव चिन्ह बदलना चाहें तो आपको कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है, आपकी जो उन्हीं को अधिकृत कर दिया गया। तो आज तक तो ये अधिकार कभी नहीं दिया गया था, आज नाम बदलने का अधिकार और चुनाव चिन्ह बदलने का अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि आज न कल विलय होने वाला है जनता दल यू का, तो जब विलय होगा तो उनको कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलानी पड़ेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।